एक समय भारत का मुंबई शहर संकट में था। हाल के वर्षों में आबादी में विस्फोट हुआ था। अधिक से अधिक लोग नौकरी और बेहतर जीवन की तलाश में शहर की ओर आ रहे थे, लेकिन शहर के बुनियादी ढांचे और संसाधन बढ़ती मांग को पूरा करने में सक्षम नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि शहर कई समस्याओं से ग्रस्त था। यातायात एक निरंतर सपना बना हुआ था, जिसमें सड़कें और राजमार्ग कारों और बसों से अटे पड़े थे। सार्वजनिक परिवहन भीड़भाड़ ऐसा था जिसे देखा भी नहीं जा सकता था। घरों शहर में गरीबी, भुखमरी, चोरी, लूट आम हो गई, और इन सब के बीच में से जो निकला वो था खरा सोना। उस समय भारत की चहल पहल भरी सड़कों पर सोने की तस्करी का फलता फूलता काला बाजार था। भारत में रॉकी को एहसास होने लगा कि उसका गांव गरीबी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। सबसे समय के गुजरते रहने के साथ रॉकी सोने की तस्करी के इस गिरोह का सरगना बन गया। रॉकी और उसकी तस्करों की टीम ने सोना मढ़वाया, मूर्तियों, गहनों और यहां तक कि खाद्य पदार्थों सहित विभिन्न रूपों में सोने को छिपाकर भारत से बाहर सोने की तस्करी शुरू कर दी। तस्कर सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देकर भारत से तस्करी का सोना प्राप्त कर रहे हैं, जो अवैध आयात पर आंखें मूंद लेते थे। इसके बाद वे धनी खरीदारों को सोना बेच देते थे, जो कीमत चुकानी पड़ी। आखिरकार उसे पुलिस ने पकड़ लिया और अपने अपराधों के लिए जेल भेज दिया। लेकिन सलाखों के पीछे भी वो शहर में एक किवंदती बना रहा था। उन्हें सोने की तस्करी का दोषी ठहराया गया और लंबी जेल की सजा भी सुनाई गई, लेकिन रॉकी अभी भी हाथ नहीं आया। कहानी दोस्तों हो सकती है KGF 3 में, तो आप हमें बताइए कि आप KGF 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियो।